आखिर कौन सी कंट्रोवर्सीज ने फिल्म आरआरआर की टीम की नींद उड़ाई? क्या डबल रोल में नजर आएंगे जूनियर एनटीआर? क्या असर पड़ेगा लॉकडाउन 2.0 का फिल्म के शूटिंग स्केड्यूल पर? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फिल्म आरआरआर की बात करें तो फिल्म के धमाकेदार टीजर्स ने जहां दर्शकों की अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं, तो कुछ फैंस को नाराज भी कर दिया है। जूनियर एनटीआर के नए अवतार और रामचरण के भावुक वॉइस ओवर के बाद प्रशंसकों के बीच चर्चा का ये विषय बन चुका है। हालांकि कुछ फैंस फिल्म में आदिवासी नेता कोमाराम भीम का किरदार निभा रहे अभिनेता जूनियर एनटीआर पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने भीम के किरदार को एक स्कल कैप पहने दिखाया। फिल्म से जुड़ी कई धाराएं सामने आ रही हैं और चलिए जानते हैं कि क्या है डायरेक्टर राजामौली का दृष्टिकोण फिल्म आरआरआर के बारे में। जानते हैं फिल्म से जुड़े कुछ संभावित सिद्धांत। सबसे पहले बात करेंगे उस सिद्धांत की जिसकी वजह से दर्शकों में काफी गुस्सा देखा गया। एसएस राजामौली की फिल्मों में पूर्ण जन्म का विचार काफी बार देखा जा चुका है, जैसे कि फिल्म ईगा में जब एक भोले युवक का एक मक्खी के रूप में पूर्ण जन्म होता है, ऐसे ही मगधारी में भी एक बहादुर योद्धा के पूर्ण जन्म होने पर उसे एक सड़क बाइकर के रूप में दिखाया गया है। यदि आरआरआर के साथ भी ऐसा है तो स्कल टोपी वाला पात्र भीम नहीं लेकिन उसके पूर्ण जन्म के बाद का किरदार है। आपको बता दें कि जूनियर एनटीआर द्वारा निभाए जाने वाले किरदार कोमाराम भीम के बारे में भी ये अफवाह थी कि वह जादू टोना करना जानते थे और मौत को भी हरा सकते थे। अगर बात करें फिल्म में जूनियर एनटीआर की दोहरी भूमिका के संभव हो पाने की, तो आपको याद दिला दें कि राजामौली अपनी फिल्मों में दोहरी भूमिकाओं में अभिनय करने वाले कलाकारों को अलग तरीके से ही प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रभास ने बाहुबली में दोहरी भूमिका निभाई थी। भले ही आरआरआर एक पूर्ण जन्म नाटक नहीं है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि मैग्नम ऑपस में अभिनेता जूनियर एनटीआर दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों को निभाते नजर आ सकते हैं। इस बात की भी अलग संभावना है कि भीम के रूप में जूनियर एनटीआर अपनी असली पहचान को धूमिल करने के लिए स्कल टोपी पहनकर आप सभी को चकमा देने की कोशिश में हो। प्रभास ने बाहुबली फ्रेंचाइजी में इसी तरह के सीक्वेंस में अभिनय किया था। उन्होंने खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में इंट्रोड्यूस किया था महेशमती के राजा होने के बावजूद देवसेना को लुभाने के लिए। भीम पर फिल्म आरआरआर के टीजर के कुछ महीने पहले ही एक प्रेस मीट के दौरान टीम ने खुलासा किया था कि एक काल्पनिक कहानी है जो कि दो वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बीच दोस्ती से जुड़ी हुई थी। राजामौली ने स्पष्ट किया था कि बीगी स्वतंत्रता संग्राम के इर्द गिर्द नहीं घूमती और इसे देशभक्ति पूर्ण नाटक नहीं कहा जा सकता। इस स्पष्टीकरण को देखते हुए आरआरआर का भीम का चरित्रण सामान्य धारणा से मेल नहीं खाता है। साउथ फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म को लेकर भी इन दिनों वो काफी खबरों में आ रहे हैं। आरआरआर स्टार ने अपनी अगली फिल्म के लिए अला वेंकट पुरमलो निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ हाथ मिलाया है। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली थी, मगर कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के चलते इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। फिलहाल साउथ के फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर अपनी फिल्म आरआरआर की शूटिंग पूरी करने में काफी बिजी हैं। इस बीच इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की मानो तो इस फिल्म में मेन विलेन के रोल में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की एंट्री होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि निर्माता सैफ अली खान को फिल्म में विलेन के तौर पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म में तान्हाजी स्टार सैफ अली खान एक बार फिर से विलेन के रोल में दिखेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल सैफ अली खान साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष में लंकेश के किरदार को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में वो रावण का किरदार निभा रहे हैं।
तो वहीं इससे पहले वो अजय देवगन स्टार फिल्म तान्हाजी में भी विलेन के रोल में सबको इम्प्रेस कर चुके थे। ऐसे में जूनियर एनटीआर के साथ सैफ अली खान की भिड़ंत देखने के लिए एक्साइटेड फैंस के लिए ज़रूर एक शानदार तोहफा होने वाला है। इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस को लेकर कर्नाटका क्रश के नाम से मशहूर अदाकारा रश्मिका मंदाना का नाम सामने आ रहा है। बीते कुछ दिनों पहले अदाकारा को निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के दफ्तर के बाहर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से ही बज है कि रश्मिका मंदाना इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के ऑपोजिट दिखने वाली है। रश्मिका के अलावा फिल्म के लिए पूजा हेगड़े और कियारा आडवाणी जैसी एक्ट्रेसेस का नाम भी सामने आ चुका है। अभी तक मेकर्स ने लीडिंग एक्ट्रेस का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। जहां पूरा देश धीरे धीरे कोरोना महामारी के साथ जीना सीख गया था, वहीं इन दिनों एक बार फिर से हमारी जिंदगी में इस वायरस ने वापसी कर ली है। कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगने की बात सामने आई है और इनमें से एक मुंबई शहर भी है। इस महामारी ने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री का काम बंद कर दिया है। पहले लगे 21 दिवसीय लॉकडाउन अवधि से निपटने के लिए फिल्म उद्योग की मशहूर हस्तियों ने विभिन्न तरीकों से इसे अपनाया था और आरआरआर की टीम भी इनमें से ही एक थी। सामाजिक गड़बड़ी के समय में प्रोडक्टिव बने रहने के लिए टीम आरआरआर, जिसमें एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर, एमएम कीरावानी और माधव कार्की शामिल है, उन्होंने घर से ही काम करने का विकल्प चुना था। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हस्तियों में से एक संगीतकार एमएम कीरावानी की जूम वीडियो कॉल के तहत उनकी एक तस्वीर सामने आई जो कि ट्विटर पर वायरल हो गई। उन्होंने साथ में लिखा, गुड मॉर्निंग एनटीआर, एसएसआर, माधवी कार्की एंड माई सेल्फ। हम में से प्रत्येक के बीच स्पष्ट रूप से 3 फीट से अधिक दूरी के साथ काम घर से ही चल रहा है। देखते हैं इस बार कैसे फिल्म के अंतिम स्केड्यूल को ख़त्म करते हैं फिल्म मेकर्स। खैर, आपकी क्या राय है फिल्म के शूटिंग स्केड्यूल को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या फिल्म को एक बार फिर से बीच में ही रोका जाना चाहिए या फिर फिल्म को सभी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए जारी रखे जाना चाहिए। हमें अपनी राय बताना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर।